What's going on guys, आज here मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए लेके बहुत सारी वीडियोस आज। लेकिन आज जो हमारी अगली वीडियो होने वाली है वो है कोई नदिया बाय पेपोंदा एंड श्रेया घोषाल। तो गाइज बड़ा ही ज़बरदस्त गाना होने वाला है, तो लेट्स चेक इट आउट बिकॉज दोनों ही दिग्गज हैं एंड उनके गाने को अपन सीधा ही सुनेंगे। तब तक के लिए तुम सब्सक्राइब करो, ठीक है, और जो ज्वाइन करना चाहते हैं मेंबरशिप कर लो, क्योंकि 2900 रुपये में मेंबरशिप मिल रही है, तुम्हारी रिक्वेस्ट प्रायोरिटी पे आ जाएगी। मेंबर्स के लिए रिक्वेस्ट ऑन प्रायोरिटी है। आज ने जो बुलाया मैंने, एक इंटरेस्टिंग गाना है, इसीलिए इतने दिनों से हम सोच रहे थे कि कुछ करते हैं। दिस इज इंटरेस्टिंग, आई थॉट एक गाना है, सुनाता हूँ कुछ, आप सुन के बताओ कैसा लगता है। इट्स थ्री लैंग्वेजेस, बेसिकली थ्री लैंग्वेजेस ऑफ असम। ओह वाओ, सो तिवा, बोडो एंड ओहोमिया, असमीज और एक मेरा भाई जैसा है केशव नोयन। मैं एक में कंफ्यूज हो जाता हूँ, मैंने गलती से उड़िया को बंगाली बोल दिया, मुझे गोली मारने पे आ गए थे। ये पेपोंदा मरवाएंगे आज, उन्होंने लिखा है। एंड ये मौसम है बिहू का, हमने बिहू जैम भी किया पहले। और गाइज बिहू से रिलेटेड गाने हो तो मेरे को भेजना, मैं जरूर करूंगा। और होली वाले दिन होली से रिलेटेड गाने आने वाले हैं भर भर के, तो अपनी रिक्वेस्ट है भेज दो। और कोई गाना नहीं मैं कर रहा हूँ उस दिन, तो उस दिन टोटल होली होने वाली है, तो विल सी टू इट, ठीक है। बाकी की रिक्वेस्ट हम आगे पीछे एडजस्ट कर लेंगे, वो दिक्कत नहीं है, लेकिन होली के दिन होली वाले आने वाले हैं। और अगर आप चाहते हो मैं प्रायोरिटी पे आपके गाने को रिएक्ट करूं, तो प्लीज़ मेंबरशिप ले लो, इजी रहेगा मेरे तक पहुंचना, मैं आराम से चेक कर लूँगा, क्योंकि तो ज़्यादा लोग भी नहीं होंगे और आराम से चेक भी हो जाएगा। तो इस मौसम में बिहू का एक रोमांस फैला हुआ होता है, तो हमें लगा ये सही टाइम है, टाइम बहुत कम है, फिर भी मुझे लगा आपको ये गाना, आपको मैं चाहता था कि आप गाएं, इसलिए आपको। What really? Yeah, so I will love to. है ना? मेरे को सिखा देना, लेकिन मतलब ओहोमिया है तो tough है, plus बोरो plus तिवा, तो मुझे correct guidance कौन दे सकता है? पापा नहीं दे सकता है। पापा उन मेरे को भी दो भाई, मेरे को भी चाहिए, मैं एक में उड़ जाता हूँ लैंग्वेज में, आती ही ना रही है। एग्जाम ले रहे तुम लोग, मैं तो कोशिश करूंगा। आई विल लव टू सिंग इट, यस यस, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। अगर तुमने मेरे लिए सोचा है ये गाना, तो मुझे तो सोचना भी नहीं है। आई वॉन्ट टू डू इट राइट नाउ। तो चले आसाम की। चलो थैंकफुली ये कन्वर्सेशन इनकी हिंदी में थी, अगर कहीं बंगाली में होती मैं उड़ जाता एकदम। ओके फ्लूट किसने बजाई है पहले पता करना। खतरनाक वोकल का कोलैबोरेशन भैया, और क्या चाहिए। ये बिहू का स्टेप है क्या? नहीं, वो कुछ ऐसे होता है, बैक पे रखते हैं राती तू बोनी ना है। मरम है नी कोई
गाइस बहुत से लोग ना मेरे को कमेंट्स में लिखते हैं कि भैया पपौंदा को पपौंदा कहते हो, ऐसे नहीं बुलाते, ऐसे प्रनाउंस करते, ऐसे करते हैं। कमेंट में बेटे वैसे भी समझ में नहीं आ रहा, हम तो पंजाबी लोग हैं, पपौन वीरे भी बोल देंगे, तो मतलब हमारे लिए तो भाई भाई पंजाबी यार। देखो रिस्पेक्ट देनी ज़रूरी है, कई बार क्या होता है हमारे नाम को कोई और लैंग्वेज का बंदा किसी और वे में बोल देता है, तो बेसिकली दिल से रिस्पेक्ट रहनी चाहिए। वो पपौंदा के लिए अपने मन में भर भर के और वो हमेशा रहने वाली है। माने नुकी, माने नुकी। देखो यहाँ पे जो नए म्यूज़िक कंपोजर्स हैं, नए सिंगर्स हैं, उनके लिए बताता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ देखना, बड़ा स्मार्ट वर्क किया है, एज इफ श्रेया हैज़ टू सिंग इट इन मैनी लैंग्वेजेस, तो उनको बहुत मिनिमलिस्टिक से लिरिक्स दिए हैं ताकि वो गाना और प्योर बन गया। ऐसा नहीं होता कि और टफ गाओगे तो ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन अगर आप मिनिमलिस्टिक लिरिक्स भी लिखते हो किसी के लिए और वो गा दें तो वो उतना ही ज़्यादा खिल के आता है। श्रेया की आवाज़ इतनी खिल के आ रही है ना इस गाने में, मतलब ऐसे लग रहा है श्रेयाज वॉइस एंड पपौंदा वॉइस इज मेड फॉर ईच अदर वॉइस, सीरियसली। फ्लूट किसने बजाई है भाई, ये तो अलग ही सीन चल रहा है। लेकिन मैं एक चीज़ तुम्हें बता देता हूँ, यहाँ पे ना वीडियो के अंदर भी सबसे अच्छी चीज़ है कि इन्होंने 3 या 4 मेजर लोकेशन लिए हैं जहाँ पे इन्होंने शूट करके उसको एडिट किया है। अमेजिंग। एक तो ये যদি মনে খায় কই দিব লাগে আং নাখাও মজাং মান আং নাগো গুমুন মান মই তোমাক ভাল পাওঁ। यार इट्स नाइस यार, सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि इट वॉज विद द रूट्स ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के रूट से जुड़ा हुआ गाना था, इतना सादा हुआ गाना, मज़ा आ गया यार सुन के। एंड ऑडियो की मैं अगर बात करूँ, सिंगर इज श्रेया घोषाल एंड पपौंदा, कंपोजिशन एंड लिरिक्स आर बाय केशव नयन जो कि एंड में बैठे थे। और अगर मैं बात करूँ प्रोग्राम्ड एंड प्रोड्यूस्ड बाय मानस हजारिका, फ्लूट गुनीन शर्मा भाई, शमरा बहुत कमाल कर दी भाई, शमरा है शर्मा है शमरा है। तो मिक्स एंड मास्टर किया है लहर डिजिटल गुवाहाटी बाय मनीष हजारिका जी ने, बहुत प्यारा बहुत प्यारा यार। कास्ट तो हमें सबको पता ही है, पपौंदा एंड श्रेया घोषाल, उसके बाद हेलेना डेमेरी एंड जे साइकिया विद केशव नयन अधिकारी,
ओके तो गाइज मुझे बहुत अच्छा लगा, ओवरऑल बहुत ही अच्छे स्मार्ट वे में शूट की हुई वीडियो थी। मुझे सारा का सारा सारे क्रेडिट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, लिंक मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन में, जाके तसल्ली से पूरा गाना सुनो बिना रुके, ठीक है। मैं इसी तरह से आपके लिए वीडियोस लेके आता रहूँगा भर भर के। प्यार देते रहो, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। विल सी यू इन अनदर वीडियो। जय हिंद।